तो वहां पर उसका वरासत लेना जायज नहीं है। बट्टे आपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ से जो कि भेजा है ताहिर गुल ने, जो कि नारबल बड़गाम से हैं, इनका क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है। इनका क्वेश्चन है लव बिफोर मैरिज, शादी निकाह से पहले जो भी लव करते हैं या प्यार करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आजकल देखने को मिल रहा है कुछ मुल्ला ना होते हैं नाम के, जो कि बोलते हैं ये पाक मोहब्बत, आप चुन बोना ये पाक मोहब्बत है निकाह से पहले, ये रूहानी मोहब्बत होती है। इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है, बोल रहे हैं कि सब तक सही है और इस पर रोशनी डालिए। देखिए लव मैरिज का मसला जो है, लव मैरिज इस्लाम ने हराम करार दिया है। लव मैरिज में अजनबी मर्द और अजनबी औरत का मिलाप होता है, अजनबी मर्द और अजनबी औरत का इख्तलात होता है, और इख्तलात को शरीयत ने हराम करार दिया। अब लव मैरिज कहां से शुरू हो गई, ये लव मैरिज से उसको आगे बढ़ाना, फिर कहते हैं कि हमने पाक किया है, ये तो नापाक, ये तो मिम्बा भी अवला नापाक, ये दोनों नापाक, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ जो गाड़ियों में मुलाकात की, एक दूसरे के साथ जो पार्कों में मुलाकात की, एक दूसरे के साथ जो फोन पे बातें की हैं, वो तो हराम है। अब इनके रिश्ते की बुनियाद जब हराम की है, तो इनका रिश्ता कहां से पाक हो सकता है जैद साहब? तो इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि लव मैरिज इस्लाम में जायज नहीं है, किसी भी सूरत में लव मैरिज इस्लाम में जायज नहीं। हाँ अलबत्ता मैरिज लव कर सकते हैं, सामीन को मैं इतना बता दूं, नाजरीन को मैं इतना बता दूं, मैरिज लव कर सकते हैं, लव मैरिज नहीं कर सकते। मैरिज से पहले, शादी से पहले लव नहीं कर सकते, बल्कि मैरिज लव कर सकते हैं, यानी शादी के बाद जितना चाहो आप अपनी बीवी से लव कर सकते हैं, अपनी बीवी से प्यार कर सकते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं, और ये ईमान की निशानी। शादी के बाद बीवी से मोहब्बत करना, शादी के बाद बीवी से मुलातफत इख्तियार करना, ये तो इबादत है। लेकिन शादी से पहले एक मर्द का एक औरत के साथ ताल्लुक रखना, ये शरीयत ने हराम करार दिया। जज़ाकअल्लाह खैर। सवालात बहुत आए हैं।